हेलो हाँ जी भैया, जी, शिव प्रकाश त्यागी जी बोल रहे हैं? हाँ जी, शिव प्रकाश त्यागी बोल रहा हूँ। हाँ भाई साहब, नमस्कार। मोनू सैनी बात कर रहा हूँ, नमस्कार जी ब्लैक मोनू जी जी। जी। जी कैसे हो भाई साहब? बढ़िया अच्छा भाई साहब, ये इमली में प्रकरण हुआ है, कोई मामला हुआ है, आप थे जी। वहां पे मौजूद, क्या है ये पूरा मामला, मैं जान सकता हूँ? क्या है कि हमारे पास कार्यकर्ताओं का फोन आया है इमली से जी कि भाई साहब, यहाँ पे जो है एक लड़का जो है, एक हिंदू लड़की को लेकर आया हुआ किसी मकान में है, जी और हम लोग थाने में हैं और आप लोग थाने आ जाइए। जी तो कार्यकर्ताओं की सूचना पर हम लोग भी थाने पहुंचे जी कि भाई, एक हिंदू लड़की जो सहारनपुर की रहने वाली थी, जी अच्छा, दलित परिवार की, दलित परिवार एससी की थी। लड़की है, दलित है, जी, लेकिन हमारे लिए तो सब हिंदू हैं। बिल्कुल। तो वो लड़का जो है मुस्लिम, यहाँ पे तो फोनिक आपके साथ से, मतलब कि जैसा आप लोग थे बजरंग दल के, उसके अलावा क्या भीम आर्मी वगैरह कुछ इस तरह के लोग नहीं भी? नहीं नहीं भीम आर्मी या कोई लोग नहीं पहुंचे, अच्छा सिर्फ बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के ही लोग पहुंचे हैं। जी। और वो लड़का यहाँ पे BCA कर रहा है अच्छा, फोनिक्स कॉलेज से। जी फोनिक्स कॉलेज से। तो जी जी वो यहाँ इमली खेड़ा में एक कमरा किराए पे लेके रहता है। जी आज वो जो है एक लड़की को लेके कमरे पे आया, तो जी मकान मालिक ने जब उससे पूछा कि भाई ये लड़की कौन है, तो पहले तो उसने बताया कि ये मेरी बहन है। जी जी उनने कहा नाम बता, इसकी आईडी दे। तो उसके बाद वो थोड़ा सा कतराया कि जी आईडी नहीं मिलने की, आईडी नहीं है, ये है वो है। जब उन्होंने टाइट होकर पूछताछ की तो जी पता लगा कि लड़की हिंदू है, दलित परिवार से है, जी और ये जो है इसे लेके आया है बेला फुसला के। अच्छा उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई जी। और उसे इमली चौकी ले आया गया। तो लड़की सहारनपुर की रहने वाली है और यहाँ हाँ, पे लड़की उसने फोन सहारनपुर करके की है। बुलाया, उस लड़के ने ही। जी। जी तो फिर उसे इमली चौकी लाया गया। जी जी वहां फिर कार्यकर्ताओं की जब सूचना आई तो हमें भी वहां जाना था, तो मैंने तत्काल CEO मैडम को फोन किया कि मैडम ऐसे ऐसे जो है एक घटना हुई है जी और हम लोग भी वहां जा रहे हैं, जी जी तो एक बार जो है देख लो। उन्होंने कहा ठीक है त्यागी जी, हम देख रहे। जी हमने जाके वहां बातचीत करी। जी वहां जो SO है, जहांगीर अली है, जी कलियर जहांगीर अली से भी कलियर बात थाने हुई। का सो। हाँ, कलियर थाने का SO जहांगीर अली, वो वहीं मौजूद था। जी जी ये तो हेलो कलियर थाने का SO जहांगीर अली था, जहांगीर जी अली से भी बात हुई। जी जी उसके बाद हम लोग की बातचीत चली रही थी। हमने कहा भाई, हम एक बार उस बहन से मिलना चाहते हैं, एक बार उसके साथ बैठ के बातचीत करना चाहते हैं कि कैसे कैसे क्या मामला रहा। जी तो हम लोग बात कर ही रहे थे कि इतना CEO मैडम आ गई। जी CEO मैडम का रवैया थोड़ा सा कार्यकर्ताओं के लिए भी अच्छा नहीं रहा, जी जिससे सभी कार्यकर्ताओं को बुरा लगा। और उसके बाद जो है उन्होंने वहां पे कार्यकर्ताओं पे, हम ऐसा लगा कि दलितों के साथ जी बिल्कुल गलत वैसे रवैया नहीं आना और ये चाहिए। जो है हिंदू समाज के साथ जी और दलित समाज के साथ सही नहीं हो रहा। बल्कि दलित क्या, इसमें सभी हिंदू समाज, अभी दिल्ली की घटना है, जी जी एक लड़की को वो जो है वही बाजार के बीच में मार रहा हाँ, वो मारा है और लोग उसने वहां से पीछे। निकल रहे हैं जी और कोई उसे नहीं बचा रहा। जी जी आज इतनी बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ता वहां थाने में पहुंचे, बातचीत करने पहुंचे, बचाने पहुंचे। थोड़ा सा आक्रोश भी रहता है जी जब कोई जी लड़की किसी मुसलमान के साथ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल तो आक्रोश रहता है। जिसके भी परिवार की होगी तो जी उसे आक्रोश होगा, और जितनी भी हिंदू बहन बेटियां हैं वो सब हमारे परिवार की हैं। बिल्कुल जी तो बिल्कुल कार्यकर्ताओं में थोड़ा आक्रोश था। उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ जो इन्होंने मारपीट की है, पुलिस वालों ने जी उन पर हाँ लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया है, जी। वो ठीक नहीं है। तो एक बार मतलब आपके साथ विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष जी भी बात करेंगे, ब्रजेश सैनी जी हैं मेरे जी साथ ही हैं, एक बार बात करें। जी हेलो हाँ जी हाँ जी, ब्रजेश जी कैसे हैं जी, ठीक है भाई साहब, बताएं जी, क्या हुआ है ये पूरा प्रकरण जो है? वैसे आपने तो बता दिया कि वहां पे जो है वो भाई लड़की। साहब। ऐसा पता चला था कि मैं, हमारे पास फोन आया था कि एक दलित लड़की है, जी इसकी कोई सहायता नहीं कर रहा। अच्छा तो उसकी, हमें पता चला कि हमने उसकी मम्मी का, माँ का फोन निकलवाया, तो हम उनसे बात करी। उन्होंने कहा कि हमारी लड़की है जी और आप उस ऐसा करो कि आप उसकी देख रेख करो।
अच्छा तो हम थाने पहुंचे सब लोग, जी। हम लोग से बात करी, उन्होंने ये कहा, कहने लगे जी भैया हम ना, हम मुझे नहीं पता था कि ऐसा ऐसा है, मुझे थोड़ा बहलाया फुसलाया इसने, अच्छा, वो लड़की ने बताया आपको, लड़की ने बताया। हाँ मेरी बात हुई, आपकी बात उन्होंने ही कहा लड़की से। हाँ मेरी लड़की से बात हुई, अच्छा उन्होंने कहा अच्छा बहला फुसलाया जी। और अब मैं घर जाना चाहती हूँ। अच्छा तो इसके बाद फिर सीओ मैडम आ गई, सीओ मैडम ने हमसे कोई बात नहीं करी, जबरदस्ती हमारे साथ भी बदतमीजी से बात करी। जी। अच्छा, वो एक और एक एक वीडियो है सीओ साहब की जो है, उसमें वो कह रहे कि आप लोग इसे मार देंगे लड़की को, मैं लड़की से मिल के आ रही हूँ, वो गले रख के मेरे रोई है, इस तरह की बातें नहीं वो। वो तो ठीक है, एक बात तो बताओ, जी। वो जब वो पुलिस पुलिस की कस्टडी में है तो फिर वो क्यों घबरा रही? ये तो पुलिस की कमी है ना, जी। वो पुलिस की कमी है। और वो हमें ऐसा लग रहा कि दलितों के साथ यहाँ सही न्याय नहीं हो रहा, जी। दलित ये दलित विरोधी बात कर रही है मैडम। तो अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। क्या मतलब कि जब आप लोग वहां पहुंचे, बजरंग दल के कार्यकर्ता आप लोग वहां पहुंचे, तो उसके अलावा जी क्या जी भीम आर्मी या उसके अलावा कोई और भी पार्टी के नहीं जो वहाँ है? असल में क्या है कि वहाँ तो सब लोग हिंदू लोग ही बात करे भी, हमारी पार्टी वार्टी कोई बात नहीं चल रही थी वहाँ पर। नहीं, मतलब कि आए हो या पहुंचे हो वहां पे जो नहीं भी, वहाँ वहाँ कोई नहीं पहुंचा, अच्छा वो कह किस रही थी, वो लड़की ये कह रही थी कि भैया हमें बचा लो, और वो हम मैं तो इसके साथ में आ गई थी यहाँ से, लेकिन मेरे घर पहुंचवा दो। हमने घर पहुंचवाने की बात कोशिश करी, लेकिन जी। मैडम ना कोई बात हमारी नहीं चलने दी। अच्छा, तो मतलब कि तो फिर अब क्या हुआ उस प्रकरण में? आप लोग वहां वहीं हो अभी या वहां से आगे, क्या कुछ चल रहा है अभी? हम अभी बात कर रहे हैं, अब हम अभी एसपी दियास से बात करेंगे, लेकिन जब तक हमारी बेटी को हमारी बहन जी को न्याय न्याय नहीं जी मिलेगा जी तो हम नहीं जाएंगे घर बिल्कुल भी। एसपी दयाद भी शायद मौके पे पहुंचे हैं वहां पे, सरपंच हाँ एसपी दियास भी थे। चौधरी। जी, जी। तो उनसे क्या बात हुई, वो क्या बोल रहे हैं अभी? हेलो। उनसे हमारी उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो तो इकट्ठे आए थे सीओ मैडम और वो दोनों इकट्ठे आए थे, जी। लेकिन हम अभी बात करेंगे, सीओ मैडम के ऑफिस में भी जाएंगे और हम अभी एसपी देहात के ऑफिस में भी जाएंगे, हम एसएसपी साहब के पास भी जाएंगे अभी, लेकिन जी। हमारी दलित बहन है उसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे बिल्कुल भी। तो मतलब कि जो है ये जो लड़का था, इसका नाम क्या था जो बहरा फुसला के लेके आया उस लड़की को? नाम क्या है, भाई साहब, नाम क्या है? अच्छा लड़के का नाम तो ध्यान नहीं आ रहा भाई साहब, ठीक ठीक है। तो ये लड़का मतलब कि सहारनपुर का रहने वाला है ना? सहारनपुर का रहने वाला है और मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है। ठीक अच्छा, है जी, ठीक ठीक है, बात है, ओके बात है, ये ठीक जानकारी चाहते हैं। ओके थैंक यू भाई, ठीक ओके। ठीक